जीवन के लिए वायु के बाद जल ही सबसे आवश्यक तत्व है, पर तब क्या हो जब ये दोनों ही तत्व प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएं? जी हां, प्रदेश में हवा ही नहीं बल्कि पानी भी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कई राज्यों में पानी की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। देश भर के अलग अलग कुल 21 शहरों से जलकल विभाग द्वारा घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी के सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया था। इनमें एक नमूना लखनऊ से भी लिया गया था जो कि मानकों को पूरा करने में विफल रहा। सैंपल को पानी में मौजूद क्लोराइड, फ्लोराइड और अमोनिया की मौजूदगी जैसे मानकों पर परखा गया जिसमें पाया गया कि ये पानी अब पीने लायक नहीं रहा। शहर की बड़ी आबादी प्रदूषित पानी को पीने को मजबूर है। ऐसा है कि जल प्रदूषण के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत चिंतित हुई है। जल निगम द्वारा जो CTP की स्थापना की जा रही थी वो सुचारू ढंग से चल नहीं रहे थे। उसका संचालन अभी प्राइवेट हाथों में देने का काम हुआ है। तो कानपुर, लखनऊ, कई जगह इस तरीके से हमारे सरकार के जो नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी ने जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ साइन किया है और उसके बाद उसका अच्छे ढंग से संचालन जब होगा तो निश्चित रूप से वायु जो जल प्रदूषण है उसमें काफ़ी गिरावट आने की। देश में जगह जगह से पानी के नमूने लिए गए और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का सबसे गंदा पानी माना गया। हमारे साथ गृहिणी इनसे बात करेंगे कि आखिर मैम नाम क्या? विभा पांडे। मैम ये बताइए कि आखिर पानी को लेकर लगातार जो है सरकार भी बोलती रही कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल और निर्मल जल, कितना नहीं पानी तो लखनऊ का दूषित है। RO लगाने के बाद भी पानी को बॉयल करना पड़ता है, इससे सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और जो है अमूमन पेट खराब रहता है सभी का। क्या लगता है कि मतलब जो नगर निगम जो सप्लाई करती है पानी की वो बहुत बेहतर नहीं है, उसके लिए भी कुछ और उपाय करने चाहिए सरकार? हाँ, उसको नगर निगम को ये चाहिए कि और पानी क्योरीफाई करके फिर जल डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या क्या परेशानी होती है मान लीजिए? तो जैसे पानी रखने में वाइट कलर का कार्बन जम जाता है और ग्लास में स्पॉट पड़ जाता है और काफी दिक्कत आती है। तो सीधे तौर पर कहना है कि जो पानी यूज करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं है, जितना अच्छा होना चाहिए, जितनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी खराब रहता है क्योंकि लगातार जो है सरकार ने एक दावा किया है कि स्वच्छ जल देने का, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लखनऊ जो है उन शहरों में शामिल नहीं है जो स्वच्छ जलापूर्ति कर पाते हैं। क्या इस्लाम के साथ राम भट्ट लाइव टुडे।